कोशिश तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कामयाबी ना मिल जाए। ये सक्सेस मंत्र है एक्टर कोरियोग्राफर धर्मेश यलांडे का। वडोदरा की गलियों से निकलकर धर्मेश बॉलीवुड में अपनी जगह बना चुके हैं। फराह खान से लेकर रेमो डिसूजा तक उनके टैलेंट को सलाम करते हैं। तो आइए सुनाते हैं आपको धर्मेश की कहानी। धर्मेश यलांडे का जन्म 31 अक्टूबर 1983 को गुजरात में हुआ था। धर्मेश हिंदी सिनेमा में अपने कंटेम्प्रेरी और हिप हॉप स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। धर्मेश कास्ट से मराठी है, परंतु इनका जन्म गुजरात के बड़ौदा में हुआ और इनका बचपन भी यही गुजरा। यही कारण है कि धर्मेश मराठी के बजाय खुद को एक गुजराती अधिक समझते हैं और इन्हें मराठी से ज्यादा गुजराती बोलने में आसानी होती है। कामयाबी में उनकी मेहनत और सब्र का बेहद खास रोल रहा है। बड़ौदा के रहने वाले धर्मेश के पिता वहाँ 30 स्टॉल लगाते थे, वही धर्मेश ठेला लगाते थे जिस पर पाव बेचते थे। धर्मेश शुरू से डांस के प्रति पागल थे। धर्मेश एक जगह पियून का काम भी कर चुके हैं। धर्मेश ने बूगी बूगी कॉम्पिटिशन जीत कर सुर्खियाँ बटोरी थी। उसके बाद डांस इंडिया डांस में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो शो नहीं जीते, लेकिन वो आज हिंदी सिनेमा के बेहतरीन कोरियोग्राफर में से एक माने जाते हैं। वो अब तक डीआईडी के 3 सीजन में बतौर डांस गुरु के तौर पर डांस सिखा चुके हैं। धर्मेश स्टंट बेस्ड रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी सीजन 10 भी कर चुके हैं। उसके बाद मशहूर निर्देशक फराह खान ने उन्हें अपनी फिल्म 30 मार खान के लिए बतौर कोरियोग्राफर हायर किया था। डांस के अलावा धर्मेश बेहद ही मंझे हुए अभिनेता है। उन्होंने अपने फिल्म करियर की शुरुआत रेमो डिसूजा निर्देशित फिल्म ABCD से की थी। ये फिल्म डांस पर ही आधारित थी। इसके अलावा धर्मेश इस फिल्म के दूसरे भाग में नजर आए। इस फिल्म में उनके अलावा वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा नजर आए थे। धर्मेश ने कई फिल्मों में काम किया और इसी के साथ इन्होंने फिल्म में गाने को भी कोरियोग्राफ किया, परंतु इन्हें लोकप्रियता छोटे पर्दे ने ही दिलवाई। इन्होंने कई कार्यक्रमों में कंटेस्टेंट के रूप में हिस्सा लिया, तो कुछ जगह मेंटर के रूप में शामिल हुए। इसके अलावा ये कुछ कार्यक्रम में जज की भूमिका में भी शामिल हो चुके हैं। फिलहाल वो डांस दीवाने सीजन 3 जज कर रहे हैं। धर्मेश की लव लाइफ भी बहुत ही खास है, जिसे वो खुलकर सबके सामने रखते हैं। इनकी गर्लफ्रेंड का नाम ब्रेशना खान है, जो पिछले 5 सालों से भी अधिक समय से इनकी जिंदगी में है। इनका अफेयर DID के सेट से शुरू हुआ था। ये लोग पहली बार इस शो के सेट पर मिले और इन्होंने पहले ही बार में एक दूसरे के प्रति आकर्षण महसूस किया और बढ़ते समय के साथ इनका रिश्ता भी गहरा होता चला गया। धर्मेश एक एक्टर, कोरियोग्राफर और टीवी शो जज करने के साथ साथ एक डांस एकेडमी के मालिक भी है। इस एकेडमी को उन्होंने साल 2009 में बड़ौदा में शुरू किया था। यहाँ पर हर उम्र के बच्चों और व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी जाती है। धर्मेश की ये कहानी आपके लिए कितनी इंस्पायरिंग रही, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। और देखते रहिए टेली मसाला और फॉलो करें हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।